हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एसीबी कार्यवाही। उदयपुर एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट ने आज एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए ऋषभ इलाके के कानूवाड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल परिवादी ठेकेदार द्वारा एसीबी ऑफिस में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ दी गई थी, जिसमें प्रधानाचार्य दिलीप जैन द्वारा स्कूल में कराए गए निर्माण कार्य के एवज में ठेकेदार से कमीशन के रूप में 15,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। एसीबी के अधिकारियों ने शिकायत का सत्यापन कर जांच करवाई तो मामला जांच में सही पाया गया, जिस पर आज एसीबी की टीम ने अपनी कार्यवाही को अंजाम देते हुए स्कूल के प्रधानाचार्य दिलीप जैन को 15,000 की रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी द्वारा अब आरोपी प्रधानाचार्य के जमीन और बैंक से जुड़े हुए दस्तावेजों को खंगालने का काम किया जा रहा है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में हुई इस तरह की कार्यवाही ऋषभ देव के अलावा उदयपुर जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज से दो दिन पूर्व प्रार्थी श्री इंदु शेखर चौबीसा जो ठेकेदार हैं, जिनके द्वारा ऋषभ देव में सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन का निर्माण किया गया था, वो हमारे पास आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने जो निर्माण करने के पूर्व सिक्योरिटी मनी स्कूल में स्कूल निर्माण के लिए जमा कराई थी। निर्माण पूर्ण हो चुका है, किंतु दिलीप जैन जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं वो सिक्योरिटी मनी नहीं लौटा रहे हैं और उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। हमने वस्तु स्थिति देखते हुए सारी स्थिति का सत्यापन कराया। सत्यापन में स्पष्ट हुआ कि श्री दिलीप जैन प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की जा रही है, जिस पर आज प्रार्थी द्वारा श्री दिलीप जैन जो प्रधानाध्यापक हैं ऋषभ देव सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के, उन्हें 15,000 की रिश्वत दी और रिश्वत देते हुए एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। मौके पर कार्रवाई जारी है। उदयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।